सो हरे कृष्णा एवरीवन, नाउ वी आर सिंग अरावली। तो हम अरावली की बात करते हैं और अरावली में अरावली रेंज देखते हैं। अरावली रेंज कैसा है? तो अब हम माउंटेन वाले पे आते हैं, जैसे हिमालय हमने देखा था ना, तो अब अरावली देखते हैं। हिमालय को भी मैं सेपरेट कर दूंगा माउंटेन रेंजेस के बारे में करके, और अरावली को भी एक माउंटेन रेंज में कर दूंगा। सो चिंता नॉट, एंजॉय एंजॉय। यहाँ पर रहते का है चिंता है, मैं सबका एक एक प्लेलिस्ट बना दूंगा अलग से, कि ये माउंटेन सिस्टम का पार्ट है, ये प्लेट्यू का पार्ट है, ये प्लेन्स का वीडियो है, ये रिवर्स का है, उसमें भी रिवर्स का भी अलग, गंगा रिवर अलग, यमुना रिवर अलग है ना, और ये सब अलग अलग रिवर सिस्टम है, अलग बनाऊंगा कि मतलब ये यमुना रिवर है और इसके सिस्टम्स है और इनके ट्रिब्यूटरीज है और ये इनका ओरिजन है, ये इनका एंड है ना। बस एक चीज़ कमी खलता है, पता है क्या? शेयर नहीं करते, कोई भी ना करता है ऐसे। दूसरा कमी क्या खलता है? ऐसे करते हैं, वीडियो पे ऐसे क्लिक किए, क्लिक क्लिक करने के बाद क्या करते हैं, एक मिनट देखा उसको काट दिया। अरे मतलब इतना भी क्या बिजी रहते हो, देख लिया करो, इतना भी मतलब क्या, लाइक कर दिया करो, लाइक ही रहता है, नीचे ऐसे थम दिखाया हुआ रहता है उसको कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, बोलो इसको पूरा देखो बैठ के आराम से, है ना। 10 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते एक दिन, मतलब इतना भी क्या बिजी हो गए, लग रहा है कि प्रधानमंत्री बन जाओगे, श्राप है, हाँ श्राप लगेगा, श्राप। सिर्फ डिंगे हाँकने से कुछ ना हो बेटा, करना पड़े, पढ़े पढ़े। अरावली रेंज, अरावली रेंज को देखते हैं। दे आर अलाइंड इन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब अरावली की बात करते हैं, तो अरावली कहाँ है? सिंपल बात है, अरावली है राजस्थान में और ये ईस्ट डायरेक्शन में है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ किस डायरेक्शन में है, तो हम पहले इसको राजस्थान को इस नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में डिवाइड करते हैं, और इस नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में डिवाइड करके देखते हैं कि ये ईस्ट साउथ वेस्ट कि ये किस डायरेक्शन में है। तो ये बोला जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में है, हाँ नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट तक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला है, हाँ तो ठीक है नॉर्थ ईस्ट तक है, और ये साउथ वेस्ट वाला है साउथ वेस्ट में, बिल्कुल ठीक बोल रहा है यहाँ पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये अरावली रेंज की बात कर रहा है, ठीक है। देर आर अबाउट 800 किलोमीटर बिटवीन दिल्ली टू पालनपुर इन गुजरात। दिल्ली से लेकर के पालनपुर तक 800 किलोमीटर तक का दूरी है, जैसे काराकोरम था ना 1000 किलोमीटर था ना, याद है? वैसे ही इसको भी याद रखना कि काराकोरम 1000 किलोमीटर है तो ठीक है, पर ये जो अरावली है ये भी 800 किलोमीटर है ना। तो अब डिस्टेंस में बोले कि काराकोरम इज शॉर्टर इन डिस्टेंस देन अरावली, तो बोला ये थाप देख रही है, दो चमाट मारूंगा सीधे ज़मीन पे मिलोगे, है ना। सो ये पालनपुर से गुजरात तक ऐसे है, किसी को मार मत देना भाई गवर्नमेंट में आके, बोले मास्टर बोला था मेरे ऊपर ही मर्डर का चार्ज लगवा देना, कोई मर वर गया फालतू का। सो दे आर अलाइन टू द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये बिटवीन दिल्ली से गुजरात के पालनपुर तक है, मतलब अरावली दिल्ली भी जाती है, हाँ चंडीगढ़ तक जाती है, थोड़ा सा पीछे रुक जाती है, मतलब चंडीगढ़ इसके शैडो वाले एरिया में आता है, बिल्कुल मतलब शैडो वाले, उस वाले रीजन से नहीं बात कर रहा हूँ कि मतलब क्लाइमेट में और वहाँ पर रेन नहीं होगा ऐसा कुछ ना, चंडीगढ़ में बाढ़ आएगा समझ रहे हो, पर शैडो इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके नज़दीक में नीचे जूते के नीचे समझ। दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेंस, समझा? ये अरावली की बात हो रहा है कि ये वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेंस है, किसका? ऑफ द वर्ल्ड का ओल्ड फोल्ड माउंटेंस है जी, एंड द ओल्डेस्ट इन इंडिया, और भारत में सबसे पुराना माउंटेन है। अब ये फोल्ड माउंटेन ब्लॉक माउंटेन होता है क्या? नहीं नहीं, इसलिए नहीं लिखा हुआ है कि फोल्ड माउंटेन ब्लॉक माउंटेन होता है, इसलिए लिखा हुआ है कि ये फोल्ड माउंटेन भी है ब्लॉक माउंटेन भी है। अरे आप क्या बोल रहे हैं, अभी तो बोल रहे हैं कि वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, हाँ ये वेरी ओल्ड क्या है, फोल्ड माउंटेन है, तो या ब्लॉक माउंटेन क्यों बोल रहे हैं फिर? मैं बताता हूँ, इसमें जो बचा हुआ पार्ट है ना ये ब्लॉक की तरह बचा हुआ है, तो इसलिए अब इसको ब्लॉक माउंटेन की तरह कंसिडर करते हैं, पर है तो ये फोल्ड माउंटेन ना, हाँ लड़ाई झगड़ा फोल्ड माउंटेन का ही है बाबा, लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, लेकिन अभी बचा हुआ है फोल्ड ब्लॉक माउंटेन की तरह, तो इसको ब्लॉक माउंटेन बोलना है कि फोल्ड माउंटेन बोलना है, तो एग्जामिनर पूछेगा उस तरीके से बोलना है, बोलेगा कि इट इज़ अ वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन, हाँ तो ठीक है अभी इसको रिसेंट में ब्लॉक माउंटेन की तरह कंसिडर कर रहे हैं, तो हाँ तो ये भी ठीक है। अच्छा ऐसा है क्या,
पर गूगल में तो वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन भी लिखा हुआ है। हाँ तो गूगल में दोबारा सर्च करो, क्या ये ब्लॉक माउंटेन भी है? तो हाँ, तो ब्लॉक माउंटेन की तरह भी लिखा हुआ है। अरे बाप रे बाप, क्या करते हैं आप, समूचा गूगल को जानते हैं? आफ्टर इट्स फॉर्मेशन ने किताब को जानता हूँ इसलिए मुझे पता है गूगल क्या बोलेगा। आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इन आर्कियन एरा, मतलब 100 मिलियन ईयर्स अगो, एट समिट वर नरिशिंग ग्लेशियर्स एंड सेवरल समिट्स वेयर प्रोबली हायर देन द प्रेजेंट द हिमालय। ठीक है, इसके जो जब इनिशियली 100 मिलियन साल हुआ था बनते हुए, जैसे आर्कियन में बना था, तो आर्कियन 4.5 मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, बिलियन से 4.5 बिलियन से लेकर के 4 बिलियन तक का बात है, मतलब अर्थ नया नया बना हुआ उसके 100 सालों के, 100 मिलियन की बात चल रहा है इसमें। तो कह रहा है कि इसका जो हाईएस्ट जो पिक था ना, वो लगभग ग्लेशियर को टच कर रहा था, मतलब इनके बावजी रहे होंगे जो जिन्होंने ये लिखा है देखने के लिए। तो और कुछ कुछ तो माउंटेन इतने हाई हुआ करते थे, मेरे दादाजी बोलते हैं, मतलब जिसने लिखा मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, कि ये हिमालय के कई माउंटेन से भी ऊँचा हुआ करते थे। अच्छा जी, आप देखे ना? मैंने नहीं देखा। हाँ तो फिर चुप रहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात चलता है, कभी कभी लोग बहकावे में बहक जाते हैं ना। नाउ दे आर रिलेक्ट, अब तो कुछ बचे ही नहीं है, ख़त्म हो गया, रेमिनेंट बचे, रेमिनेंट क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेदरिंग हुआ है, फिर वेदरिंग के बाद इरोजन्स हुआ है, और वो भी कई मिलियंस ऑफ साल से हो रहे हैं, तो इसके कारण कुछ वहाँ बचा नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फोल्डिंग, और ये विश्व का सबसे जो पुराना माउंटेन है ना, वो भी बना हुआ है तो फोल्डिंग के कारण ही बना है, कारण से बना है ना, कैसे कारण है? फोल्ड हुआ है जी, क्या हुआ है? फोल्ड हुआ है। फोल्ड कहाँ कहाँ हो सकता है? कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट अगर एक तरफ कॉन्टिनेंट हो लड़ने वाला, दूसरी तरफ भी कॉन्टिनेंट लड़ने वाला हो, दूसरा ओशियन कॉन्टिनेंट, एक तरफ ओशियन हो एक तरफ कॉन्टिनेंट हो, क्या ओशियन ओशियन लड़ करके फोल्ड माउंटेन बना सकते हैं? नो, आंसर इज नो, जोर से बोलो नो, डायरेक्ट बोलो नो। ठीक है, दे कंटिन्यू अप टू हरिद्वार, बरीड अंडर द एल्यूवियम ऑफ गंगा प्लेन। ये इसका जो एलिवेशन चलता हुआ दिखा गया है, तो ये हरिद्वार समझ में आता है, वहाँ तक है, लेकिन क्या होता है ना कि जो इतना एलुवियल डिपॉजिट हुआ ना कि माउंटेन को ही तोप दिया, बोले स्वाहा, उसी में दब गया, खत्म, टाटा बाय बाय गया। द रेंजेज इज कॉन्स्पिशियस इन राजस्थान, और ये जो रेंज है ये राजस्थान में चल रहा है, मतलब कंटिन्यूस रेंज साउथ ऑफ अजमेर वेर इट राइजेज, अब राजस्थान में, ठीक है, जहाँ 900 मीटर तक की ऊंचाई है, बट बिकम लेस इन हरियाणा एंड दिल्ली। ठीक है, तो ये धीमे धीमे कम हो जाता है हरियाणा और दिल्ली जाते थे, तो ये अरावली का रेंज है। अब इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अब कुछ ज्योग्राफी की माने, अकॉर्डिंग टू सम ज्योग्राफर्स, वन ब्रांच ऑफ द अरावली एक्सटेंडेड टू द लक्षद्वीप आर्किपेलागो थ्रू द गल्फ ऑफ कम्बात। अब गल्फ ऑफ खम्बात से होते हुए, मतलब ये गल्फ ऑफ कच्छ है और ये गल्फ ऑफ खम्बात है, गल्फ ऑफ खम्बात है, और ये अरावली है, और यहाँ से होते हुए लक्षद्वीप तक गया है, ये कच्छ है ना, क्या है KUTCH कच्छ, और ये है KMBATH, तो खम्बात तक गया है, और खम्बात से होते हुए कहाँ तक गया है, तो ये लक्षद्वीप तक गया है। और कुछ कुछ तो बोलते हैं कि नहीं 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 रुको, वापस वापस आओ, वापस आओ, कुछ बोलते हैं कि ये नहीं, ऐसे ऐसे पार होकर के लक्षद्वीप नहीं गया है, ये अरावली ऐसे ऐसे घूम करके और कर्नाटक में चल गया है और आंध्र प्रदेश में चल गया है, ऐसा क्या? हाँ ऐसा, मतलब दो लोग दो बातें, अभी दिन है कि अभी है रात है, नहीं दिन है नहीं रात है, नहीं दिन है नहीं रात है, हम बोले कि दिन है तो बोलिएगा दिन है, हम बोलेगा रात है तो बोलिएगा रात है, हम बोले कच्छा नहीं है तो कच्छा नहीं है। ठीक है, सो इट्स जनरल एलिवेशन इज़ ओनली 400 मीटर टू 600 मीटर विद अ फ्यू हिल वेल अबव द 1000 मीटर्स। तो जनरल एलिवेशन की बात करें तो लगभग 400 से 600 मीटर तक है, लेकिन कुछ कुछ हिल्स 1000 मीटर तक ऊँचा है। ठीक है, एट द साउथ वेस्ट एक्सट्रीमिटी द रेंजेस राइज ऑफ 1000 मीटर्स, और साउथ वेस्ट की बात करें तो 1000 मीटर तक है। एयर माउंट आबू, जहाँ पे माउंट आबू की बात करें तो 1158 मीटर का है इसमें, है ना, 1158 मीटर का है माउंट आबू।
याद रखना है ना, माउंट आबू याद रखना, हिल स्टेशन है बढ़िया वाला, पीछे वाले में वीडियो में मैंने बताया हुआ है। एंड अ स्मॉल हिली ब्लॉक्स, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द मेन रेंज ऑफ वैली फ्रॉम द बनास गुरु शिखर। गुरु शिखर इसका हाईएस्ट पिक है, 1722 1722 1722 का है हाइट, है ना, एंड सिचुएटेड इन द माउंट आबू। और ये जो गुरु शिखर है ये किस पे सिचुएटेड है, तो माउंट आबू पे है। यहाँ पे वैली है जिसका नाम है बनास, और बनास नदी भी है ना, याद होगा ना, बनास चंबल में आकर मिलती है ना। सो ये वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अगला वीडियो आएगा हमारे पास विंध्या रेंज का। तो बोलिए जोर से हरे कृष्णा।